नमस्कार दोस्तों, तेज स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज के बारे में जानेंगे, तो पूरे वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखिएगा। हमने इससे पहले एक वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स के बारे में डिफरेंस बताया था, अगर वो वीडियो ना देखा हो तो उसको पहले देख लें, तब इसको देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर पहले चित्र में दिखाया गया है कि ये वोल्टेज सोर्स है, इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है जो कि वोल्टेज कंट्रोल्ड है, और ये करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है डिपेंडेंट, ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है जो कि डिपेंडेंट सोर्स है, और ये करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि डिपेंडेंट सोर्सेस चार प्रकार के होते हैं। आगे हम लोग अभी देखेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग पहले एनर्जी सोर्सेस के बारे में कैटेगराइजेशन देख लेते हैं कि एनर्जी सोर्सेस कैसे कितने प्रकार के होते हैं। एनर्जी सोर्स मूलतः दो प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज। इंडिपेंडेंट सोर्सेज दो प्रकार के होते हैं, फिर से इसमें वोल्टेज सोर्स आता है और करंट सोर्स आता है। वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है पूरी डिटेल के साथ, तो आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम लोग डिपेंडेंट सोर्सेज यानी कि वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स, करंट कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स एंड करंट कंट्रोल करंट सोर्स के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन समझेंगे। तो हमारी नेक्स्ट पॉइंट है कि वे वोल्टेज एवं करंट सोर्सेज जो वैद्युत सर्किट में अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करते इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहलाते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज का सिंबल इस तरीके से होता है, जो कि सर्किट में किसी अन्य राशियों पर, वैद्युत राशियों पर निर्भर नहीं करती। और डिपेंडेंट सोर्सेस समय के साथ ये अपने कैरेक्टरिस्टिक को बदलते रहते हैं ड्यू टू वोल्टेज और करंट। चित्र में एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिखाया गया है एवं उसके साथ एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिखाया गया है, तो ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। टर्मिनल बी के सापेक्ष टर्मिनल ए धनात्मक है। यहाँ पे देखें, टर्मिनल बी ये है और टर्मिनल ए ये है, इसमें भी उसी प्रकार है, तो ए टर्मिनल धनात्मक है, अर्थात दूसरे शब्दों में टर्मिनल बी का वोल्टेज टर्मिनल ए के वोल्टेज से ज़्यादा है। कहने का मतलब टर्मिनल ए का वोल्टेज जो है ये टर्मिनल बी के वोल्टेज, ये वाला कम है और ये वाला ज़्यादा है, यानी बी का वोल्टेज दोनों में टर्मिनल में ज़्यादा है। नेक्स्ट पॉइंट, इसी प्रकार चित्र में एक इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दिखाया गया है और उसके बगल में एक डिपेंडेंट करंट सोर्स भी दिखाया गया है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कैसे होते हैं, अब हम लोग देखते हैं कि इंडिपेंडेंट करंट सोर्स इस प्रकार के कुछ दिखाई देते हैं हमारे, जबकि डिपेंडेंट करंट सोर्स इस प्रकार के होते हैं, यानी टाइम डिपेंडेंट, इसमें स्मॉल आई के साथ टी भी लिखा रहता है और तीर का निशान करंट फ्लो की दिशा को प्रदर्शित करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि एक डिपेंडेंट वोल्टेज या करंट सोर्स वह होता है जो वैद्युत परिपथ में किसी अन्य राशियों पर निर्भर करता है, जैसे वोल्टेज या करंट। हमने बताया पीछे कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऐसे सोर्सेज होते हैं जो कि किसी राशियों पर निर्भर नहीं करते, जबकि डिपेंडेंट सोर्स ऐसे सोर्सेज होते हैं जो किसी अन्य राशियों पर निर्भर करते हैं, प्रायः ये वोल्टेज या करंट पर ही निर्भर करते हैं। अगला है, इस प्रकार के स्रोत डायमंड शेप द्वारा निरूपित किए जाते हैं। डायमंड शेप मतलब कुछ इस प्रकार के शेप।
यहाँ चार प्रकार के डिपेंडेंट सोर्स दिखाए गए हैं। पहला है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स VCVS, दूसरा करंट कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, तीसरा वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स, चौथा करंट कंट्रोल करंट सोर्स। इस प्रकार के सोर्स कांस्टेंट सोर्स या टाइम वेरिंग सोर्स के अंतर्गत भी आते हैं, इसीलिए इनके सिंबल के साथ ब्रैकेट में T लिखा रहता है। इस प्रकार के स्रोत प्रायः इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के स्रोत कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। अब ये हमारे चार प्रकार के जो मैंने अभी भी बताया कि डिपेंडेंट सोर्सेज होते हैं, इनके सिंबल इस प्रकार के होते हैं। देखिए डायमंड शेप लिए हुए रहते हैं। यहाँ पे AV इसलिए लिखा है कि A ये जो इसका वोल्टेज है, ये वोल्टेज इस वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज इसका वोल्टेज इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये A प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। उसी प्रकार यहाँ पे इसका करंट इसके करंट के ऊपर निर्भर कर रहा है और ये R एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। ठीक उसी प्रकार इस वोल्टेज सोर्स का करंट वोल्टेज इस इन दोनों टर्मिनल के वोल्टेज के पर निर्भर कर रहा है और ठीक उसी प्रकार इस करंट सोर्स का करंट इस करंट के ऊपर निर्भर कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है और इस करंट से कंट्रोल हो रहा है। वैसे यहाँ पे ये वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट सोर्स है, वैसे यहाँ पर करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स है और ये वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स है। जैसा कि ऊपर दिखाया गया है कि वोल्टेज स्रोत और करंट स्रोत सर्किट वोल्टेज और करंट पर निर्भर करते हैं, मतलब सर्किट का वोल्टेज ये है, वैसे सर्किट का करंट ये है, इसमें भी सर्किट का वोल्टेज ये और सर्किट का करंट इसमें ये है। तो ये किसी सर्किट वोल्टेज या करंट पर निर्भर करते हैं और उनके अनुक्रमानुपाती होते हैं। अगला पॉइंट है अनुक्रमानुपाती नियतांकों को क्रमशः A, R, G और β द्वारा लिखा जाता है। नियतांक A और बीटा की कोई इकाई नहीं होती, जहां R नियतांक की इकाई ओम और G नियतांक की इकाई सीमेंस होती है। अगला पॉइंट है वास्तव में भौतिक रूप से इंडिपेंडेंट सोर्सेस बैटरी DC जनरेटर और अल्टरनेटर होते हैं। इंडिपेंडेंट सोर्सेज जो होते हैं वो बैटरी सोर्स होते हैं हमारे, DC जनरेटर सोर्स होते हैं और अल्टरनेटर होते हैं, लेकिन डिपेंडेंट सोर्सेज एक मॉडल का पार्ट होते हैं। मॉडल दैट मीन्स जैसे कि उनकी विशेषताओं को दर्शाता है। इसमें मॉडल का मतलब ये होता है कि ओपैम जैसे हो गए, हमारे ट्रांजिस्टर्स हो गए, उनके एक मॉडल जैसे रेडियो में आता है तो उसमें जो सर्किट लगे रहते हैं उसमें डिपेंडेंट सोर्सेज लगे रहते हैं। तो यहाँ पे एक मॉडल का पार्ट होते हैं जो कि उनकी विशेषताओं को दर्शाते हैं, इसी जैसे ऑपरेशन एम्पलीफायर और ट्रांजिस्टर्स। नीचे दिए गए वैद्युत परिपथ में एक करंट कंट्रोल्ड सोर्स दिखाया गया है जिसमें किरचॉफ्स लॉ की मदद से I1 व I2 का मान ज्ञात करना सभी रेजिस्टेंस ओम में है। दोस्तों हमने इसमें एक न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व किया है जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, न्यूमेरिकल पोर्शन में भी आप क्लियरली इसको समझ सकें। तो हमारा एक न्यूमेरिकल है ये, इसका कोई इसमें क्या करना है कि I1 और I2 की वैल्यू ज्ञात करनी है और ये हमारा करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्व। नोड ए, देखिए नोडल एनालिसिस से इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा एक नोड हो गया ए पर KCL लॉ अप्लाई करेंगे जब, तो क्या होगा
2 minus I1 plus 4 I2 minus I2 is equal to 0. यहाँ पे दोस्तों नोड ए पर केसीएल लॉ अप्लाई करने पर, केसीएल लॉ जब नोड ए पर अप्लाई करेंगे तो केसीएल लॉ के अकॉर्डिंग किसी नोड से आने वाली और जाने वाली धाराओं का योग बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो यहाँ पे ये करंट नोड के पास आ रही है, ये करंट नोड से दूर जा रही है आई वन करंट, वैसे 4I1 करंट नोड पे आ रही है और I2 करंट नोड से दूर जा रही है। इस जो दूर जा रही हैं उनको माइनस से और जो नोड पे आ रही हैं नोड की ओर आ रही हैं उनको प्लस से लिखेंगे। तो 2 माइनस I1 प्लस 4I2 माइनस I2 इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने पर माइनस 3I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 2 प्राप्त होता है। फिर परिपथ में ओम के नियम से, अब इसके ओम के नियम से हम लोग इस सर्किट में I1 की वैल्यू और इस सर्किट में I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ पे V मिल गया हम लोगों को, नोड वोल्टेज V है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V1 अपॉन 3, V अपॉन 3, और I2 की वैल्यू V अपॉन 2 हो जाएगी। I1 और I2 के मान निकाले हम लोगों ने, तो I1 I2 के मान समीकरण इसमें रख देंगे तो क्या होगा, 3 माइनस 3 V by 3 प्लस V by 2 इज इक्वल टू 2, या इनको सॉल्व करने पर V की वैल्यू माइनस 4 वोल्ट आ जाएगी। तो इस प्रकार से इस V की वैल्यू उठाकर इस I1 की वैल्यू में V by 3 और इस I2 की वैल्यू में V by 2 में रखने पर हमें I1 की वैल्यू माइनस 4 by 3 एम्पियर एंड I2 की वैल्यू माइनस 4 by 2 एम्पियर यानी माइनस 2 एम्पियर मिल जाएगी। अब हम लोग इस तरीके से डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू है 4I1, दैट मीन्स ये हमारा सोर्स इस I1 करंट पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज 4I1। तो I1 की वैल्यू क्या प्राप्त हुई है हमें, I1 की वैल्यू माइनस 4 बाई 3 प्राप्त हुई है। तो ये डिपेंडेंट करंट सोर्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4I1, दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 4 बाई 3 इज इक्वल टू माइनस 16 बाई 3 ए। अब इस प्रकार हम लोगों का ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। अब देखते हैं चित्र में I1 I2 का मान जो है नेगेटिव आ रहा है। यहाँ देखिए माइनस, यहाँ पे माइनस 4 बाई 3 आ रहा है, माइनस 2 बाई 3 4 बाई 2 यानी माइनस 2 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि I1 I2 की ऊपर की दिशा में फ्लो हो रहे हैं। यहाँ पे जो है I1 की वैल्यू जनरली पहले फिगर में नीचे थी, लेकिन माइनस साइन आने का मतलब ये ऊपर की दिशा में फ्लो हो रहे हैं ना कि नीचे की दिशा में, जैसा कि चित्र ए में दिखाया गया है। चित्र ए में दिखाया गया था कि नीचे फ्लो हो रहे थे, लेकिन ये ऊपर की दिशा में फ्लो होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसी प्रकार डिपेंडेंट सोर्स करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे देखिए मेन फिगर में ऊपर की ओर फ्लो हो रहा था, लेकिन मैंने सॉल्व किया तो इसका आंसर आया माइनस 16 बाई 3, यानी कि सोर्स की करंट जो है नीचे की ओर फ्लो होगी। तुम्हारा फाइनल फिगर ये बी वाला बन के निकला आंसर सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ यह भी देखा जा सकता है कि ऊपर जाने वाली करंट का योग नीचे आने वाली करंट की योग के बराबर है। यहाँ पे करंट सोर्स और इन सर्किट की करंट के बीजगणितीय योग जो है बराबर है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को हमारा समझाया आज का समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ और अलग अलग जगहों पर, और बेल आइकन जरूर दबाएं सब्सक्राइब करने के बाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।